फिल्म की शुरुआत एक विवाहित जोड़े सोफी और जेम्स से होती है, जो एक दूसरे के साथ खुश लगते हैं। अभी वे न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में एक पुराना सोफा ले जा रहे हैं। सोफी उस सोफे को नवीनीकरण करके इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन जेम्स को यह आइडिया पसंद नहीं आता। यह पता चलता है कि भले ही जेम्स अमीर परिवार से आता है, सोफी एक साधारण जीवन जीना पसंद करती है। सोफा हटाने के बाद दोनों अपने कमरे में इधर उधर घूमते हैं, लेकिन जेम्स को एक फोन कॉल आता है जिससे उनका मजेदार पल टूट जाता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता का निधन हो गया है, साथ ही इकलौता बेटा होने के नाते उसे अपने पिता का पूरा व्यवसाय और संपत्ति विरासत में मिली है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि वे शहर से दूर एक उपनगरीय हवेली में जा रहे हैं। सोफी इन बदलावों से खुश नहीं है, लेकिन वह अपने पति का समर्थन करने के लिए तैयार है। अगली सुबह जेम्स अपने पिता की कंपनी के सीईओ के रूप में अपने पहले दिन के लिए तैयार हो जाता है। सोफी उसे उसके साथ दिन बिताने को कहती है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि वह पहले दिन पर बुरा प्रभाव नहीं डालना चाहता। इसके बाद सोफी, जो बेरोजगार है, बड़ी हवेली के चारों ओर घूमती है और ऊब महसूस करती है। घर में बहुत सारे नौकर हैं, इसलिए उसे काम करने या किसी बात की चिंता नहीं है। बाद में एक नौकरानी उसे पूछती है कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है। सोफी को बॉस की तरह रहना अच्छा नहीं लगता और वह नौकरानी से एक दिन की छुट्टी मांगती है। वह बताती है कि जेम्स के विपरीत वह एक विनम्र परिवार से है और खुद काम करना पसंद करती है। उस शाम जब जेम्स घर लौटता है तो सोफी बताती है कि उसने सभी नौकरानियों को निकाल दिया है। जेम्स परेशान हो जाता है क्योंकि वे लंबे समय से परिवार के साथ थे और यह उनकी आय का एकमात्र स्रोत था। हालांकि सोफी बताती है कि उसने उन्हें 2 साल का वेतन दिया है और अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। जेम्स अब भी इतनी बड़ी हवेली के प्रबंधन को लेकर चिंतित है, लेकिन सोफी सब कुछ संभालने का वादा करती है। अगली सुबह जेम्स सीईओ के रूप में अपनी नई भूमिका के साथ संघर्ष करता है। वह मीटिंग में नए विचार पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन सहकर्मी सहमत नहीं होते। तभी सोफी का फोन आता है, जो कहती है कि वह लॉन घास काटने वाली मशीन चालू नहीं कर पा रही है। जेम्स ने शाम को मदद करने का वादा किया। घर लौटकर वह घास काटने की मशीन को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन मुश्किल होती है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। वह निराश होता है कि अब उसे यह काम करना पड़ रहा है। अगली सुबह सोफी कहती है कि वे अपार्टमेंट में ज्यादा खुश थे, जो जेम्स को परेशान करता है। सोफी कहती है कि उसे इतनी बड़ी हवेली में रहने की आदत नहीं है और नौकरों को आदेश देने में असुविधा होती है। दोपहर में जेम्स अपने सहायक से इस कठिनाई के बारे में बात करता है। सहायक कहता है कि पैसा सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है और रोबोट हाउसकीपर बेचने वाली कंपनी के बारे में बताता है। अगले दृश्य में युगल एक टेक कंपनी में जाता है और सीईओ जूलियन से मिलता है। वह उन्हें इंसानों जैसे दिखने वाले कई रोबोट दिखाता है। जेम्स अपनी पत्नी से एक चुनने के लिए कहता है और जूलियन जेसिका नाम की महिला रोबोट का सुझाव देता है। हालांकि सोफी को चिंता होती है कि इतनी खूबसूरत महिला घर में होने से असुरक्षा महसूस होगी, इसलिए वह एक पुरुष रोबोट चुनती है। इसके बाद जूलियन उन्हें हेनरी नाम के पुरुष रोबोट से मिलवाता है। अपनी आज्ञाकारिता साबित करने के लिए जूलियन उसे जेम्स के जूते चाटने का आदेश देता है, जिसे हेनरी तुरंत करता है। इसके बाद वे हेनरी को हवेली में लाते हैं और जूलियन एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करता है। फिर रोबोट घर के काम शुरू करता है और कुशल साबित होता है, लेकिन सोफी उसे एक इंसान की तरह देखती है और आदेश देने में असहज महसूस करती है। अगले दिनों में हेनरी घर के कामकाज में माहिर हो जाता है। एक दिन वह गलती से सोफी के शयन कक्ष में प्रवेश करता है जब वह कपड़े बदल रही होती है। इससे सोफी असहज और चिंतित होती है। बाद में वह अपने पति को बताती है कि हेनरी उसके शरीर को कैसे घूर रहा था, लेकिन जेम्स उसकी चिंताओं को यह कहकर खारिज कर देता है कि वह सिर्फ एक रोबोट है। फिर जेम्स हेनरी को रैकेट बॉल खेलने के लिए ले जाता है। पूरे खेल के दौरान हेनरी उसे हराता रहता है, लेकिन जेम्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बजाय वह कंपनी का आनंद लेता है और अपने पिता की मृत्यु पर दुख व्यक्त करता है। यह सुनकर
हेनरी संवेदना व्यक्त करता है। अगले दिन जब सोफी को पता चलता है कि उसके पति के सहकर्मी घर आ रहे हैं, तो वह सफाई करने लगती है। हेनरी उसकी मदद करता है और तनाव कम करने के लिए चुटकुले सुनाता है। इससे सोफी का विश्वास जीत लेता है और सोफी उसे चार्ल्स डिकेंस का उपन्यास उपहार में देती है। बाद में वे एक ब्रेक लेते हैं और सोफी उसे शराब पेश करती है। हेनरी बिना हिचकिचाहट के शराब पी लेता है और बताता है कि उसके डॉकिंग स्टेशन पर रीसेट हो जाता है। जब जेम्स के सहकर्मी घर आते हैं, तो वे रोबोट की इंसान जैसी दिखावट से प्रभावित होते हैं। हेनरी चार्ल्स डिकेंस को भी उद्धृत करता है, जो उन्हें और आश्चर्यचकित करता है। सोफी कहती है कि वह कभी कभी भूल जाती है कि वह रोबोट है, लेकिन जेम्स इस टिप्पणी से खुश नहीं है। एक रात सोफी अपने घर के बाहर असामान्य आवाजों से जागती है और हेनरी को नग्न अवस्था में पाती है। वह उसे जगाती है, लेकिन हेनरी को याद नहीं होता कि वह वहां कैसे पहुंचा। वह दावा करता है कि उसने एक इंसान होने का सपना देखा था। जैसे ही वे घर वापस जाते हैं, जूलियन आता है और उन्हें देखकर क्रोधित हो जाता है। सोफी बताती है कि उसने हेनरी को वहां पाया। अगले दिन दंपति ने जूलियन को बुलाया और उसे कल रात की घटना बताई। जूलियन रोबोट की जांच करता है और कहता है कि यह सिर्फ एक छोटी गड़बड़ी है। सोफी कहती है कि हेनरी सपना देख रहा था, लेकिन जूलियन कहता है कि यह असंभव है। वह जोड़े को सावधान रहने और हेनरी को भावनाएं विकसित करने से रोकने की चेतावनी देता है। जूलियन के जाने के बाद जेम्स हेनरी की स्थिति के लिए अपनी पत्नी को दोषी ठहराता है। वह कहता है कि सोफी उसे किताबें पढ़ने देती है और इंसान की तरह व्यवहार करती है। सोफी जवाब देती है कि वह भी हेनरी के साथ रैकेट बॉल खेलकर ऐसा ही करता है। बाद में जब हेनरी सोफी की मालिश कर रहा था, तो उसने उसकी पीठ और फिर होंठ चूमना शुरू कर दिया। यह एक दुःस्वप्न बन जाता है, क्योंकि सोफी अचानक उठती है। दोपहर में सोफी जानबूझकर अपने शयन कक्ष का दरवाजा खोलती है और सपने के बारे में सोचकर खुश होने लगती है। समाप्त करने के बाद वह हेनरी को अपने कमरे के बाहर देखती है और सोचती है कि क्या वह उसे देख रहा था। वह पूछता है कि अगर वह देख रहा होता तो क्या उसे खुशी होती। कुछ दिनों बाद जेम्स ने सोफी और हेनरी को पूल के पास एक साथ हंसते देखा और उसे ईर्ष्या होने लगी। वह जूलियन के पास जाता है और कहता है कि हेनरी उसकी पत्नी पर आगे बढ़ रहा है, जिससे उनकी शादी बर्बाद हो सकती है। जूलियन कहता है कि हेनरी को प्यार करने के लिए नहीं, बल्कि मालिकों को संतुष्ट रखने के लिए प्रोग्राम किया गया है। वह कहता है कि असली मुद्दा जेम्स और उसकी पत्नी के बीच है और उन्हें इसे स्वयं हल करना चाहिए। जब जेम्स घर लौटता है, तो वह हेनरी को सोफी के साथ फ्लर्ट करना और किताबें पढ़ना बंद करने का निर्देश देता है। हेनरी कहता है कि उसके दोनों मालिकों को सहमत होना चाहिए। यह सुनकर जेम्स क्रोधित हो जाता है और उसे डॉकिंग स्टेशन पर लौटने का आदेश देता है। फिर वह सोफी से कहता है कि वह हेनरी के साथ पढ़ना बंद करे। सोफी गुस्सा हो जाती है और वे बहस करने लगते हैं। अंत में सोफी घर छोड़कर अपने पुराने अपार्टमेंट में रहने का फैसला करती है। एक दिन जेम्स बाथरूम में था, जब उसने देखा कि उसका रेजर गायब है। वह हेनरी को बुलाता है और नया रेजर लाने का निर्देश देता है। हेनरी नग्न अवस्था में कमरे में प्रवेश करता है, जिससे जेम्स आश्चर्यचकित हो जाता है। वह पूछता है कि वह क्या कर रहा है और हेनरी जवाब देता है कि वह सिर्फ इच्छाएं पूरी कर रहा है। हेनरी जेम्स की दाढ़ी काटना शुरू कर देता है, लेकिन फिर उसे चूम लेता है। जेम्स पहले हिचकिचाता है, लेकिन फिर उसे वापस चूम लेता है और दोनों अंतरंग हो जाते हैं। अगली सुबह जेम्स अपने बिस्तर में अकेला जागता है और यकीन नहीं करता कि जो हुआ वह सच था या नहीं। उसने देखा कि हेनरी ने नाश्ता तैयार किया है, लेकिन पिछली रात की घटनाओं पर चर्चा नहीं करना चाहता। कार्यालय में जेम्स सोफी को छुट्टियों पर जाने का प्रस्ताव देता है, लेकिन सोफी बहुत उत्साहित नहीं होती और व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने की सलाह देती है। सोफी घर लौटती है और हेनरी से मालिश करने के लिए कहती है। हेनरी बाध्य होकर उसके शरीर को रगड़ना शुरू करता है, लेकिन फिर उसे चूम लेता है। सोफी पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। हेनरी जवाब देता है कि वह उसे खुश करना चाहता है। सोफी उसे तुरंत डॉकिंग स्टेशन पर जाने का आदेश देती है। जब जेम्स शाम को घर लौटता है, तो परेशान सोफी उसे सब कुछ बताती है।
जेम्स चिल्लाता है कि हेनरी ने वही किया जो वह चाहती थी। जेम्स उसे रोबोट के व्यवहार को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाता है। तर्क के बाद जेम्स हेनरी से पूछता है कि उसने सोफी को क्यों चूमा। हेनरी कहता है कि सोफी ने इसके लिए भीख मांगी, जिससे जेम्स और क्रोधित हो जाता है। जेम्स उसे मारता है और डॉकिंग स्टेशन पर लौटने का आदेश देता है। हेनरी चार्जर कार देता है और चला जाता है। अगली सुबह दंपति जूलियन को बुलाते हैं और हेनरी को वापस कंपनी में भेजने की बात करते हैं। जेम्स काम पर जाता है और सोफी तकनीशियनों के आने का इंतजार करती है। हेनरी बताता है कि उसका चार्जिंग स्टेशन काट दिया गया है। सोफी बताती है कि उसका पति परेशान है क्योंकि हेनरी ने उसे चूमा था। हेनरी जेम्स को पाखंडी कहता है क्योंकि उन्होंने भी सोफी के साथ अंतरंगता की थी। सोफी टूट जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पति इतना नीचे गिर जाएगा। जूलियन आता है और सोफी कहती है कि वह रोबोट को संभाले और चली जाती है। हेनरी अपनी चोट की जांच करता है और दर्द महसूस करता है। जूलियन उसे डॉकिंग स्टेशन पर लौटने का आदेश देता है, लेकिन हेनरी मना कर देता है और झूठा होने का आरोप लगाता है। सोफी जेम्स के कार्यालय में जाती है और उसे धोखाधड़ी के बारे में बताती है। जेम्स कहता है कि वह हेनरी से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह निर्दोष दिखता था और सोफी जब भी उसके करीब होती थी तो खुश होती थी। जेम्स कहता है कि रोबोट ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। सोफी का गुस्सा अपराध बोध में बदल जाता है और उसे एहसास होता है कि हेनरी के लिए उसकी भावनाएं वास्तविक नहीं है। जोड़े में सुलह हो जाती है और वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। जेम्स हेनरी के मिस्ड कॉल देखता है। घर पहुंचने पर दंपति हेनरी को पिछवाड़े में नग्न अवस्था में पाता है। हेनरी दुखी होता है और जानता है कि उसने मालिकों को निराश किया है। युगल उसे कंपनी में वापस करने का फैसला करता है। जेम्स उसे चार्जिंग स्टेशन पर लौटने का आदेश देता है, लेकिन हेनरी बैटरी खत्म होने तक मैदान में रहने की अनुमति मांगता है। युगल सहमत हो जाता है। अगले दृश्य में वे जूलियन को टेक कंपनी में ढूंढते हैं, लेकिन वहां FBI एजेंट होते हैं। जेसिका कहती है कि उसे अपने मालिक के पास लौटना है। एक सामाजिक कार्यकर्ता बताता है कि वह असली व्यक्ति है जिसे ब्रेन वॉश किया गया है। जेम्स और सोफी चौंक जाते हैं और एहसास होता है कि हेनरी भी इंसान है। वे FBI एजेंटों के साथ घर लौटते हैं। जूलियन प्रकट होता है और FBI एजेंटों को गोली मारता है। जूलियन बताता है कि हेनरी की मां ने उसे प्रताड़ित किया था और छोड़ दिया था, इसलिए उसने उसे अपनाया। जूलियन ने उसे आदर्श इंसान बनाया और अब व्याकुल है कि दंपति उसे छोड़ रहे हैं। जूलियन जोड़े को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी हस्तक्षेप करता है और जूलियन को मार देता है। हेनरी चाकू उठाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है। दंपति उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने पेट में चाकू मार लेता है। अपने अंतिम क्षणों में हेनरी कहता है कि उसकी भावनाएं वास्तविक थीं और माफी मांगता है। सोफी और जेम्स उसकी मौत से टूट जाते हैं और रोते हैं। अंतिम दृश्य में 5 साल बीत चुके हैं और युगल अपने बेटे हेनरी के साथ पार्क में होते हैं। सोफी बताती है कि उसका नाम किसी बहुत खास व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस मिस न करें। आप किस मूवी की कहानी सुनना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।